बहुत बहुत गंदा चीज करते हो आप लोग। ये चारों ओर नेट पर लिखा हुआ है पता है कश्मीर के बारे में कि आप लोग ऐसे ही करते हो। जेट नहीं AK-47 बन जाता है सर्दियों में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रिपल कैरी। रूम से निकल के ही मेरी आँख खुली की खुली रहेगी। आई एम इन टोटल डिसबिलीव। 6:30 इन द मॉर्निंग मैं थोड़ा निकला मेडिसिन लाने गाड़ी में एंड पूरा लैंडस्केप ही जैसे वाइट हो गया। ग्रीन ट्रीज कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज वाइट ऑल ओवर। ऑलमोस्ट पूरी रात में जाग रहा था बिकॉज ऑफ अ लिंगरिंग नेक पेन। मेडिसिन गाड़ी में भूल गया था एंड पूरी रात स्नोफॉल की वजह से जा नहीं पाया। एंड सुबह व्हेन आई वोक अप केम आउट ऑफ द होटल आई वॉज ट्रीटेड टू दिस अनबिलीवेबल स्टफ। एंड दिस इज माई कार एडॉर्न्ड इन स्नो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर की बर्फ वाली वादिया। आई एंड सप्तशि जस्ट कांट गेट ओवर इट। इतना अच्छा लग रहा है। पूरा वाइट चारों तरफ जिधर भी आग जाए पूरा वाइट। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी वार्म रहता है। मतलब बच्चे के साथ हो तो थोड़ा केयरफुल होना होगा एल्स तो इट्स ग्रेट। रात को जैसे करंट आ गया था तो रूम हीट हो गया था हीटर चला के, फिर करंट चला गया लेकिन पूरी रात रूम काफ़ी वार्म था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुवान भी इनफैक्ट सुवान को तो शायद रात को गर्मी लग रही थी तो इसलिए वो उठ गया था। और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे, वो बहुत ट्राई कर रहे कि जब लोड चले गए तो तब जनरेटर चला दे, अगर लोड ज़्यादा है कम कर रहे। जनरेटर चालू कर दिया तो फिर मैं फटाफट सुवान का पानी गर्म कर ली केटल में। वही टेंशन था मेरे को, बाकी तो सब ठीक है। और आज उसका खाना मैं कुकर में करके उनको ही दे दूंगी तो वो लोग किचन में बना देंगे। सन भी निकल आया है। इट्स शाइनिंग। द वेदर हैज क्लियर्ड अप टू सम एक्सटेंट। ब्लू स्काईज दिख रहा है और वहां पे पीक्स भी दिख रहा है। अच्छा लग रहा है देखने। So it's time to check out. Luggage loaded. भैया थैंक यू। आपका नाम? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई बहुत अच्छा स्टे था, हम लोग बहुत एंजॉय किए। शुक्रिया। सो हैंडिंग इट ओवर टू अनिमित। लो सो वी आर लीविंग। इट्स 11:45 नाउ। और सामने का हालत देखो, विंडशील्ड का, इट्स ऑल आइस। वादियाँ देखो, सप्तशि आइस साफ कर रहा है। और इधर महाराज का ब्रेकफास्ट हो गया कॉर्नफ्लेक्स और फिर केला भी खा लिया और अभी ये खेल रहे हैं। यू एंजॉयड बेबी, यू एंजॉयड। तो आज जाने का तो प्लान था पहलगाम लेकिन सप्तशी का तबीयत थोड़ा सही नहीं है। आज अभी निकलते हैं फिर डिसाइड करेंगे। ये देखो सनरूफ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है। अरे क्यों निकाला रहने देते। You have the same opinion? बदमाशी देखो इसकी। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठंड है गर्मी है क्या है, है ना? And the trekking route is closed because of snow. Thank you.
तो अनिंदिता इधर रुक गई, देखते हैं आके वो कर पाएगी कि नहीं। मैं जा रहा हूँ स्लेज से, वो ऊपर पॉइंट पे, उधर से थजीवस ग्लेशियर दिखता है। ये भैया लोग कन्विंस किए, मेरा तबीयत तो ठीक नहीं, आप लोग को बताइए। तो अभी जा रहे भैया लोग के साथ, होपफुली अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज हिमालय बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो बैठते, चलो। सो आई एम ऑन द स्लेज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पीपल, आई रियली फील बैड। काफी मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। समबडी इज ऑल्सो पुशिंग मी फ्रॉम द बैक। वॉकिंग सो दैट इन लोग को ज़्यादा प्रेशर ना देना पड़े। सो वी आर हाफ वे देयर, गाड़ी उधर पार्क्ड, ब्यूटिफुल है। मे बी इट इज स्टार्टिंग टू स्नो अगेन, इट इज ब्यूटिफुल। सो मैं अभी चल रहा हूँ, प्लीज गाइस इंसिस्टेड कि स्टेज पे स्लेज पे बैठ जाओ, बट आई एम रियली फीलिंग बैड। काफ़ी स्टीप है, दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं बोला ठीक है थोड़ा चल ही लेता हूँ, इतना तो चल ही सकते हैं। हेज द स्लेज, ये देखो बीच में इधर लाके छोड़ दिए, उधर लेके जाने का था, इधर आके छोड़ दिए। बोल रहे यही फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, बोला वो तीन पॉइंट है। ऐसा ही है, बीच में देखा ना मैं चल रहा था ताकि इन लोग को तकलीफ ना हो। और देखो ये लोग ऐसे बोलते हैं, पहले बात सुन, देखो गलती आपकी नहीं, मेरा ही गलती है भैया। एक काम करते हैं, जुबान की पहले जुबान करेगा सीधी, अलग बात क्यों, मैं वो ही लूंगा। मगर आप एक काम करो, सुनो आपका ज्यादा हो रहा है ना, मैं चल के जाता हूँ, चल के आता हूँ, आप इधर से मुझे नीचे जाके जाना, जो पैसा है मैं दे दूंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गंदा चीज है भैया, मैं एकदम ये नहीं नहीं भैया, आप लोग ट्रस्ट तोड़ते हो, आप लोग ट्रस्ट तोड़ते हो भैया। नहीं नहीं, क्या सुनने भैया, आप इधर आके रोक दिए, नीचे देखो पुलिस भी लगी है, पुलिस भी लगी है, जाओ हमारे साथ। मुझे बात नहीं करना है आप लोग से, जो बात है ना मेरी, मुझे नहीं बात करना। पहले बात सुनो, पुलिस भी लगी है, अगर बोलो इन्होंने गलत बोला है तो हमको वापस, मुझे नहीं सुनना है क्योंकि मैं आप लोग से बात किया है, बात मैं उन लोग से बात तो नहीं किया ना। सुना ना आप, देखो आप इसको कहने में होगी कंफ्यूज हो गया। मैं उधर दिखाया ये पॉइंट मुझे जाना है, वो बोला हाँ उधर तक ही लेके जाएंगे, बीच में कैसे आप चेंज कर सकते हो। पहले बात सुनो मेरे भाई, जैसे गाड़ी में किलोमीटर होता है, नहीं वो पहले बात सुन, नहीं मैं वो सुन लिया ना, मुझे नहीं सुनना है, मुझे फालतू का बकवास, नहीं 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 मुझे बहस नहीं करना है, मैं गलत हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं मैं गलत हूँ भैया, सही हो गया तो कहाँ, ये बहुत बहुत गंदा चीज करते हो आप लोग। ये चारों ओर नेट पर लिखा हुआ है पता है कश्मीर के बारे में कि आप लोग ऐसे ही करते हो। भाईजान पहले बात सुनो, हाँ बोलो क्या बात करो। देखो इसने इसको ऐसे बोलना था आपको कि जैसे गाड़ी नहीं, में नहीं, नहीं पर कुछ बताया नहीं ना, इधर बीच रास्ते तो बता नहीं सकते ना आप। सुनो ना कि जैसे गाड़ी में किलोमीटर होता है ऐसे इसका पॉइंट रहता है, वो इसने बोला नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप सुनो मेरी बात सुनो, मैंने ये पॉइंट बोला, वो रुपए लेके चलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम, फिर जाओ बैठो, चलो चलो नीचे छेक रही, चलो आपको लगते हैं ना सर, जब जब लग रहे हैं ना सर वही देना, चल बैठो। नहीं लगने का नहीं है, मैं तो आपको ठगूंगा नहीं ना बैठ के इधर, कोई बात नहीं सर बैठो जाओ, हमारी तरफ से भगवान देखता है। या फिर एक काम करो, आप इधर ही रुक जाओ, आपको लेके नहीं जाना है, चल के जाऊंगा, छोड़ दो, आपको लग रहा है सांस फूल रहा है कि मैं जा नहीं पाऊंगा उधर, बहस खत्म किए, काफ़ी देर लगा एंड दे एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट। अभी पीक पे आ गए, दैट्स थजीवस ग्लेशियर, दीज आर द ट्रैक्स जहाँ से स्नोमोबाइल भी जाते हैं। मुझे लगा था स्नोमोबाइल इधर तक ही आते, बट आई थिंक दे गो वन मोर लेवल, द ग्लेशियर इज लुकिंग ऑसम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द टॉप।
काफ़ी पीक्स भी विजिबल है हिमालयन रेंज के, बहुत मस्त दिख रहा है। एंड समवेयर देयर पार्किंग पे अनिलिता वेट कर रही है। इट्स ऑलमोस्ट वन नाउ और सप्तशी गए हैं स्लेज से ऊपर, एक व्यू पॉइंट है वहाँ, तो मैं सुवान को लेके नहीं गई क्योंकि स्लेज जब नीचे उतरता है ना तो बहुत स्पीड से उतरता है। चलो इट्स टाइम टू गो डाउन। ऊपर पहुँचने के बाद काफ़ी रेस्टलेस फील हो रहा था, काफ़ी गुस्सा था अंदर ही अंदर, पर ये सीनरी और नेचर की ब्यूटी देख के मैंने खुद से पूछा, इज़ इट रियली वर्थ इट, वाई डू वी ट्रैवल, टू बी हैप्पी इज़न्ट इट। तो ये सब सोच के मैंने गुस्सा थूक दिया। आई वॉन्टेड टू एन्जॉय द सनकिस्ट माउंटेन्स एंड द ब्यूटिफुल ग्लेशियर, एंड दैट्स वाई आई वॉज हेयर इन द फर्स्ट प्लेस, इज़न्ट इट। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर और मैं फाइनली एंजॉय करने लगा। सो माई स्लेज इज पार्क्ड, अभी हम लोग पार्क छोड़ के जा रहे टूवर्ड्स नंदिता। अ वेरी हैप्पी पर्सन, बिटर स्वीट जर्नी था बट अंत भला जिसका सब भला। तो सप्तशी अभी स्लेजिंग करके आए, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो अभी वो सुवान के साथ है और मैं थोड़ा स्नो में आई हूँ। यार लोग बहुत परेशान करते हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आपको ये लो ये लो ये लेना ही है, ये सब में अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है आपका इसी से बिजनेस चलता है, इसी से सब कुछ चलता है, लेकिन ज़्यादा फोर्सिंग अच्छा नहीं है ना, जब बार बार बोल रहे हो कि नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए। सनरेज़ की वजह से एकदम ग्लो कर रहा है, इट्स ब्यूटिफुल चारों तरफ। तो वापस जाते वक्त यही होटल पे रुके जहाँ पे कल खाए थे। अनिंद्रे इज़ हैविंग हर पंजाबी मील, बाहर खा रहे क्योंकि सुवान अभी डीप अस्लीप। तो लंच करने के बाद हम लोग जोजीला पास की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे आर्मी कैंप था तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि जोजीला पास अभी बंद है, वो कब ओपन होगा कुछ मालूम नहीं। सो वी आर मेकिंग आवर वे बैक टू श्रीनगर आज। ओ रे 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 रोलर कोस्टर जैसे चल रहा है। One last farewell gift before we leave Sonmarg. It is snowing again. And आज हम लोग पहलगाम नहीं जा रहे, we are going back to Srinagar because मेरा भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है and it's around 6 hours, तो roads पे कुछ दिखेंगे भी नहीं। By the time we reach पहलगाम it would be 7-8 in the evening. तो इसलिए cancel करके we are going to Srinagar. Hotels booked नहीं है but we'll book something online. पहाड़ों में एक अजीब सा साइलेंस है, बट इस साइलेंस में योर माइंड स्क्रीम्स विद थॉट्स एंड रियलाइजेशंस। इट टीचेस यू टू अप्रिशिएट द फाइन थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव अ लविंग वाइफ, एक 1.5 फुट की एंटरटेनमेंट एंड अबव ऑल अ वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली बैक होम। सोनमार्ग में एक और दिन रुकने का काफ़ी डिलिब्रेशन हुआ बट खराब नेटवर्क की वजह से वी हैड टू इग्नोर द स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टे बैक। ऑफिस का काफ़ी काम पेंडिंग भी था। सो विद अ हैवी हार्ट एंड एट अ वेरी स्लो पेस वी स्टार्टेड रिट्रीटिंग फ्रॉम सोनमार्ग। तो हम लोग अभी उस साइड पे थे, दैट साइड पे, एंड नाउ वी हैव कम टू दिस साइड, वी आर लीविंग सोनमार्ग। ये जाते जाते मस्त चीज दिखा, ऑल ऑफ इट इज़ कवर्ड, रास्ते के उस एंड से भी दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि इस साइड भी होगा, एक केव टाइप का फॉर्मेशन हो गया, ये कल नहीं था। तो ये बालकनी से हमारा व्यू एकदम डाल लेक के सामने। गाड़ी उधर पार्क है, हम लोग बैंक्स पे उतरे थे, फोटो वगैरह खींचे, अभी
सोनमार्ग छोड़े हुए 5 किलोमीटर भी नहीं हुए, पूरा वेदर ही चेंज। एम आई रियली फॉलोइंग अदर्स और एम आई बिल्डिंग माई ओन पाथ? लाइफ की रेस में समटाइम्स यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज देन यू हैव टाइम टू थिंक, ऑब्जर्व एंड इंट्रोस्पेक्ट। और अगर सोनमार्ग टू श्रीनगर का ड्राइव है तो whoever finishes last goes home with the best of memories. Kuch calls and a lot of good luck helped us in securing a booking in Hotel Himal. Mind you, ये वही होटल है जो हमेशा बुक रहता है and same day booking मिलना almost impossible है. होटल पहुँचने के बाद पता चला कि एक गेस्ट ने कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन इन जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अभी सब आदेश के पास ही जाता है। तो अभी कॉल चल रहा है अनन्यता और राहुल, अनन्यता का टीममेट है राहुल, अभी अच्छा न्यूज देने के लिए कॉल किया है, तो वही चल रहा है। हम लोग अभी ड्राइव तो कर रहे हैं, सीनिक वाला ड्राइव ही है और ऊपर से राहुल गुड न्यूज भी दे रहा है। गुड न्यूज क्या है वो बता नहीं पाएंगे, वो ऑफिशियल है, पर जो भी है मतलब राहुल को मतलब उसको किसी के साथ शेयर करना था। हाँ। तो वो कैसे भी कॉल करके बात करते हैं। चलो चलो चलो, तो हम लोग इधर रुके हैं कांडरबाल बोल के एक जगह है, वाइल वी आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज ये रेस्टोरेंट दिखा, इट्स अ स्नैक काउंटर एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्री एंड ये रिवर साइड भी है। स्टक इन श्रीनगर ट्रैफिक, 5 किलोमीटर्स टू गो बिफोर वी रीच द होटल, बट आई वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्दियाँ किसको नहीं पसंद, आई लव द स्नो, सब कुछ अच्छा लगा मुझे, पर एक चीज़ एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ आफ्टर आंसरिंग नेचर्स कॉल। ये जो जेट नाम की चीज़ होती है ना, वो जेट नहीं AK-47 बन जाता है सर्दियों में। तो रिक्वेस्ट है सभी होटल ओनर्स को कि जेट पे प्लीज़ राउट गर्म पानी, और अगर ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं कोलर जैगुअर इन सब कंपनियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एटलीस्ट फॉर पीपल रिसाइडिंग इन कोल्ड एरियाज और फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस, उन लोग के लिए ये प्लीज़ सोचिए, वरना हालत टाइट हो जाती है, सच में टाइट हो जाती है। स्तुवान सो रहा था, अभी वो उठ गया, नाउ इट्स 6 o'clock और हम लोग पता नहीं कब से जैम में हैं। इट्स ओनली 1.5 किलोमीटर्स अहेड, लेकिन अभी भी कितना टाइम दिखा रहा है? नहीं, अभी 750 मीटर 5 मिनट। अरे देखो 13 मिनट हो गया था फिर से। अरे ऐसे मत बोलो। तो हम लोग फंसे हुए हैं फिलहाल जैम में, हम लोग जा रहे हैं होटल हीमल, तो वो भी JKTDC से का ही है, लेकिन वो एकदम डाल लेक के पास में है। तो वो तुम्हारी रहने की इच्छा पूरी हो गई उधर? हाँ, इनिशियल प्लान यही था पर उस दिन मिला नहीं। आज तुम्हारे को कैमरा चाहिए इसलिए वो रो रहा है। ये रहा डाल लेक, तो ये बालकनी से हमारा व्यू एकदम डाल लेक के सामने। बट अपनी फूटी किस्मत कि आपको रूम नहीं दिखा पा रहे, रूम टूर थोड़ी देर में जब लाइट चली आएगी, हीटर वगैरह भी है एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी दिया है इन्होंने। मैं इधर नीचे गाड़ी पार्क करने आया और मेरा बच्चा उधर से चीख रहा है, वही देखो। मेरे पापा, पापा। तो हम
लोग अभी निकले हैं डाल लेक के साइड में वॉक करने के लिए। उस दिन तो दिन को आए थे, शाम को आए थे, सन था तभी भी, और आज जैसे रात को बहुत मज़ा आ रहा है। सामने देखो कितने लाइट्स हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये वॉक मुझे बचपन की याद दिलाती है। हम लोग बचपन पे पूरी बीच के साइड ऐसा ही एक पाथवे है, तो हम लोग शाम को निकलते थे पूरी से। और अभी नहीं नहीं, फीलिंग नॉस्टैल्जिक, तब पापा मम्मी लोग घुमाते थे, अभी हम लोग पापा मम्मी बन गए और घुमा रहे अपने बच्चे को। काइंड ऑफ डेट नाइट करने का प्लान है, तो थोड़ा सा सज धज के भी निकले, देखते हैं कहाँ अच्छा खा सकते हैं। तो अभी रेस्टोरेंट सिलेक्शन चल रहा है, रोड के इस साइड आए डाल लेक के साइड, ताकि इधर से रेस्टोरेंट वगैरह दिखे, एंड एक दो देख के निकले रेस्टोरेंट नियर मी करके, बट देखते। हम लोग आ गए लजीज, इसका पेस अचानक बढ़ गया खाना देख के सूख के। चलो हेलो सर, हेलो टेबल फॉर टू सिक्स सेंटर, इधर मेनू सिलेक्शन चल रहा है, उसका खाना चालू हो गया। सो आवर स्टार्टर हैज अराइव्ड, इट इज फिश लसूनी कबाब, लुक्स वेरी यम्मी, आई जस्ट कांट वेट, आई एम डन। सो दिस इज अ कश्मीरी डेलिकेसी, इट्स कॉल्ड रिस्टा, दीज आर मीट बॉल्स, मटन बॉल्स, और इसको वाइट राइस के साथ खाते हैं। तो एक्चुअली हम दो चीज़ में कंफ्यूज थे कि हम रोगन जोश ले कि रिश्ता ले, तो इन लोगों ने खुद ही कहा कि रोगन जोश आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन यू ट्राई दिस क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, सुवान इतनी बदमाशी कर रहा है कि सप्तर्षि उसको लेके घूम रहे हैं, अभी भी उनका खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम हैविंग माई फूड एंड देन I'll take Stovan. Rista, I like the gravy, but I didn't like the meatballs. It was too, I don't know, bland for me. Anyways, we are leaving. So mean is me. Thank you. Good night. तो आनंदिता क्वाइट लिटरली बीच सड़क पे खड़ी होके फोटो खींच रही थी, बट आई कैंट ब्लेम हर। डाल लेक की चार्म ही अलग है, इवन दो द हाउस बोट्स हैव स्विच्ड ऑफ देयर लाइट्स। सो वी गॉट इनटू दिस डिपार्टमेंटल स्टोर और हमारे स्नैक्स सारे खत्म होने वाले थे, एक्चुअली खत्म हो गए काफी, तो वी बॉट ऑल दीज स्नैक्स एंड सप्तर्षि वाज जेनरस, सो he is treating me with an ice cream. Dal lake dikha do, thank you bhaiya. We were at the royal store, it's 1:30 at night, mere ko kuch office ka kaam tha to wo karke abhi sone ja raha hu. If you like our content, please do like, share and subscribe. आज का ब्लॉग इतना ही, कल हम लोग जा रहे हैं पहलगांव। पहलगांव जाने से पहले ट्यूलिप गार्डन और शंकराचार्य मंदिर जाने का प्लान है। कल फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ।